थाने में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए आज थाने मनपा आयुक्त और थाने महापौर द्वारा होटल ओनर एसोसिएशन आप थाने से एक बैठक किया गया, जिसमें कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा किया गया। एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया कि थाने मनपा द्वारा दिए गए गाइडलाइन पर थाने के सभी लीगल होटल चलाए जा रहे हैं, जिसमें ग्राहकों और होटल के कर्मचारियों को बिना मास्क अंदर नहीं लिया जा रहा है और समय से पहले होटल को बंद किया जा रहा है। थाने होटल एसोसिएशन की तरफ से हमने आज महापौर साहब से और कमिश्नर साहब से ये प्रॉमिस किया है कि जो भी कोविड-19 के रूल्स हैं हम सब फॉलो करेंगे, लेकिन हमारी भी कुछ दिक्कतें हैं कि जैसे कि हम सब लाइसेंस प्रेमाइसिस का हमारा एसोसिएशन है, हम सभी के सभी 11:30 बजे बंद करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रेमाइसिस है येऊर या थाने गोड़बंदर और पूरे के पूरे थाने एरिया में जिनके पास लाइसेंसेज नहीं है और जो लेट नाइट तक चलते हैं, इनके चलते ये होता है कि हमारे कस्टमर सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे क्यों खाना खाना, क्योंकि यहाँ पे तो 11 बजे 11:30 बजे बंद हो जाएगा, तो वो लोग वहाँ जाते हैं, जिससे कि हमारा जो एक्चुअल रेगुलर टाइमिंग है उस पर भी बिजनेस नहीं हो पाता है। तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि जो टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है, जो कोविड-19 का रिस्ट्रिक्शन है, वो सभी को लगने चाहिए, हमें लगे हैं तो उनको भी लगने चाहिए, और वो इलीगल वे में कोई भी प्रेमाइसेज ऐसे फुल टाइम ऑपरेट नहीं होने। उन्होंने अभी बताया कि थाने में लगभग 1000 होटल है, जिसमें 350 से 400 होटल लीगल है, बाकी सब इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है। उन्होंने सह आयुक्त साहब से ये किया है, उनसे एश्योरेंस दिया है उनको कि ये काम करके ये जो भी इलीगल एक्टिविटीज है वो सबकी सब बंद होनी चाहिए और वो उनका बिजनेस ऐसे आगे इलीगल वे में नहीं चलना चाहिए। और हमारे एसोसिएशन का भी यही मानना है कि हम भी ये चाहते हैं कि जो भी इलीगल भी चला रहा है उसको लीगल वे में बिजनेस करना चाहिए, ताकि लीगल वे से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है और जो हमारे जैसे लीगल वे में जो दूसरे बिजनेस कर रहे हैं हम शोल्डर टू शोल्डर काम कर सकते हैं। इलीगल वे में जो बिजनेस करता है उसे ना तो रेवेन्यू मिलता है, ना ही तो वो किसी दूसरे अपने साथ के अपने एसोसिएशन की तरफ कोई भी चीज देखता है। दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूले जेजेबी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम।